हे स्वामी आप चिंता मत करो, पत्नी का धर्म है कि पति को चिंता मुक्त करे। अगर कुछ भी ना हो देने के लिए तो शब्द तो हो, कम से कम सरल शब्दों का व्यवहार तो सुधरा हुआ हो। कुछ देने के लिए ना हो तो प्रेम के शब्द तो हो, इतना ही बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार है। शत्रुपा जी की आंखों में आंसू हैं और कहती हैं, महाराज आपका प्रसाद उच्छिष्ट में ग्रहण करूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो शंकर जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, विष्णु त्रिदेव, क्यों भैया इस व्यवहार से तीनों देवता प्रसन्न हो गए कि नहीं। यही तप है। पति पत्नी में अगर आपस में प्रेम है तो यह सबसे बड़ा तप है। और इस तप से नैमिषारण्य जाने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी अगर घर में प्रेम से रहने लग जाए, प्रेम का व्यवहार वातावरण बन जाए, तो घर ही नैमिषारण्य हो जाएगा। त्रिदेव तुम्हारे घर में एक ना एक दिन जरूर आएंगे। त्रिदेव आएंगे, ब्रह्मा भी आएंगे, विष्णु भी आएंगे और शंकर भी आएंगे। यही हुआ है। विधि हरिहर तप देख पारा ओ मनु समीप आए बहुवारा। एक बार नहीं आए, बहुवारा। बहुवारा का अर्थ क्या करोगे, अनेक बार आए ना, अनेक बार आए। माँ गई बड़ा बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। बार बार कहते हैं मांगो मांगो मांगो। महाराज मनु ने कहा कि मांगूंगा दोगे, कहे हाँ, जो मांगोगे सो मिलेगा। जानते हो क्या मांगा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो, ये मांगा। किससे मिला दो, ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो, और कुछ नहीं चाहिए, केवल सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद तो निर्गुण है भैया, क्यों भैया है कि नहीं। अब मिला किससे, सगुण से मिला जाता है कि निर्गुण से। निर्गुण की तो अनुभूति होती है, क्यों भाई, लेकिन मिलन होता है तो सगुण से होता है। लेकिन महाराज मनु कहते हैं कि सच्चिदानंद से मिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर तो बिल्कुल दुर्बल है, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, कुछ नहीं बचा, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, लेकिन मन में पीड़ा नहीं है। मन में यह पीड़ा नहीं है कि शरीर हमारा नष्ट हो रहा है। मन में केवल एक ही पीड़ा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद मिल नहीं रहा है। ब्रह्म सच्चिदानंद मिल जाए, बस यही एक लालसा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से डिमांड कर रहे हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद से मिला दो। इन तीनों ने जवाब दे दिया कि ब्रह्म सच्चिदानंद निर्गुण है, और मिलोगे तो सगुण मिलता है, लेकिन सगुण है कहां, वो तो निर्गुण है। अनुभव करो, अनुभव करो। कह नहीं मिलता है, मिलता है। कह वो तो निराकार है। मनु जी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो साकार है। आप कह रहे हो निराकार है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो साकार है। तो इन त्रिदेवों ने कहा फिर तुम क्या कह रहे हो। मनु जी कह रहे हैं मैं भक्त हूं, और इतना विश्वास है कि भगवान यही कहता है, आप सुनते नहीं हो, ना ब्रह्मा जी सुनते, ना विष्णु जी सुनते, ना शंकर जी सुनते, आप सुनते कहां हो, वो कहता क्या है, सुनो जरा ध्यान से। इन संतों ने हमें यही सुनाया है, यही बताया है नैमिषारण्य में कि वो ब्रह्म यही कहता है, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा मुझे बनाना चाहेंगे हम वैसा ही बनने को तैयार हैं। तो अगर हमारी भक्ति में कमी होगी तो वो नहीं आएगा, और अगर हमारी भक्ति
में पूर्णता आ जाएगी या आ गई होगी या आगे आएगी, तो विश्वास है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही वो बन जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि विश्वास की जरूरत है कि नहीं, किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है प्यारे, और विश्वास है महाराज मनु को, इसलिए अस्ति मात्र हो गए शरीरा तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा, पीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है, शरीर चाहे जितना दुर्बल हो गया हो लेकिन विश्वास है कि वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आएगा आएगा, ब्रह्म सच्चिदानंद ही आएगा, विश्वास है। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि चलो चले, समय पास मत करो, यहां खड़े होके दुनिया का वर्णन कर रहा है, ये संभव है क्या? शंकर जी बोले हमारा देवता समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन लेकिन क्या है, जब भक्ति में पूर्णता आ जाए तब, पूर्णता आ जाए तब। चले गए तीनों, जब तीनों चले गए तो ब्रह्मनाद हुआ, ब्रह्मवाणी सुनाई दे रही है महाराज मनु, और ब्रह्मवाणी का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। देखो सुनाई ही नहीं दे रही है, देखो सुनाई दे केवल इससे काम चलने वाला नहीं है, दिखाई दे रहा है प्रभाव। अब दिखाई क्या दे रहा है, सुनना ध्यान से सुनना, ये अंतिम 10 मिनट की बात है, क्योंकि ब्रह्म को प्रकट कराना है ना, तभी तो कल जन्म होगा। जब नैमिषारण्य में प्रकट होके वचन नहीं देगा तो कल जन्म होगा क्या? हम कैसे जन्म कराएंगे? कल जन्म तो तभी होगा जब वो आश्वासन दे, अभी आश्वासन मिला नहीं, हम कहे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे थोड़ी कह पाएंगे। इसलिए अंतिम 10 मिनट, 5 बजे विश्राम, क्योंकि 4:50 हो गए, 10 मिनट, 2-4 मिनट का अंतर होगा हमारा तुम्हारी घड़ी में, ऐसी बात नहीं, कम ज्यादा 2-3 मिनट हो सकती है, लेकिन हमारी घड़ी जो है कायदे से सिस्टम से मिली हुई है, बिल्कुल ये घड़ी जो है रेलवे टाइम की घड़ी है, उसी से मैं मिलाता हूं, तुम लोग भी शायद उसी से मिलाते होगे, है नहीं? तो 2-4 मिनट का अंतर तो सबके में रहता अपने हिसाब से, लेकिन 2-4 घंटा को नहीं रहा अंतर। एक आदमी की 3-4 घंटा लेट चल रही थी घड़ी, हमने कहा स्टेशन से मिलाई कि टेलीविजन से मिलाई, बोले ससुराल से मिलाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्याध तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यहां तो घड़ी सत्संग से मिली है, किससे मिली है? सत्संग से मिली है, हमारी भी और तुम्हारी भी मिली सत्संग से। वाणी सुनाई दे रही है, विश्वास की बात है, भक्ति में पूर्णता आ गई, क्योंकि पति पत्नी में यदि अनुकूलता है तो वो वही भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति इधर उधर नहीं रहती है, जहां परिवार में प्रेम होता है वहीं भक्ति प्रकट होती है। इसलिए परिवार में भक्ति का साम्राज्य स्थापित करो, और भक्ति का साम्राज्य तब स्थापित होगा जब आपस में प्रेम होगा तब, और प्रेम में भी उपासना होनी चाहिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं होना चाहिए। आज तो स्वार्थ सांच जीव करे यहा मन क्रम वचन राम पद नेहा, ये होना चाहिए प्रेम, ये ऐसा स्वार्थ होना चाहिए, ऐसा स्वार्थ सार्थक है, बोलो है सार्थक कि नहीं? स्वार्थ सांच जीव कर एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। आगे बड़ी सुंदर बात, ब्रह्मना ब्रह्मवाणी, माग माग बर भई न भवानी, ओ परम गंभीर कृपा मृत सानी। ये गंभीर नहीं है, परम गंभीर है, परम गंभीर कृपामृत सानी, कृपा से सनी हुई वाणी परम गंभीर है। शरीर अस्थि मात्र हो गए शरीरा, लेकिन वो वाणी कृपामृत, कृपा का अमृत है, इसलिए मृतक जीवन गिरा सुहाई श्रवण रंद हो उर जब आई, अमृत पहुंच गया, कृपा अमृत पहुंच गया, कृपा अमृत, बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कृपा अमृत के प्राप्त होते ही हिष्ट पुष्ट तन भयो सुहाय मानव अभी भवंते आए, जैसे अभी भवंते आ रहे हूं, बोलो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? भक्ति में पूर्णता आ गई कि नहीं आ गई?
अब कोई अभाव रह गया क्या मनु शत्रुपा के जीवन में? मानहु अवई भवंते आए, ये कृपा मृत की क्षमता है, ये विशेषता है कृपा मृत की। इसलिए कृपा मृत से बड़ा अमृत संसार में कोई दूसरा नहीं है। महाराज मनु कहते हैं कि कृपा तो कर दी लेकिन मिला स्वास्थ्य। कृपा में मिला क्या है? स्वास्थ्य। मानव अभी भवंते आए, शरीर तो अच्छा हो गया, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, लेकिन प्रभु ऐसा स्वास्थ्य किस काम का है कि परमात्मा न मिले, परमात्मा का दर्शन ना हो है? ऐसे तो कुंभकर्ण था, नींद उसको ज्यादा, जिसको ज्यादा नींद आती है डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन ज्यादा नींद लेना भी अस्वस्थता का ही कारण होता है, प्रमादी बनना, आलसी बनना है ना। कोई डॉक्टर वैसे ही बोलते होंगे, अच्छे डॉक्टर कोई नहीं कहेंगे। हाँ नींद होनी चाहिए, 5-6 घंटे पर्याप्त है, नींद 7 घंटे ले लो ज्यादा से ज्यादा, बस 6-7 के बीच में, इससे ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 14-14 घंटा सो रहे तो कुंभकर्ण वसीयत लिख के गया ना उन लोगों के नाम, स्वास्थ्य मिल गया, लेकिन लक्ष्य था कि परमात्मा का दर्शन हो और दर्शन सामने हो, सामने आके दर्शन हो, सच्चिदानंद का दर्शन हो। इसलिए लक्ष्य तो ये है। भगवान ने कहा कि इसका मतलब है कि वाणी से तो हम सब कुछ दे सकते हैं, तुम जो चाहो तो ले लो, वाणी से मांगो। तो मनु जी ने कहा कि मांग ही तो रहा हूं वाणी से कि आप आके दर्शन दें, आपका दर्शन चाहता हूं, आके दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा दर्शन, हाँ आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम आए और तुमने कहा कि हमें ये रूप पसंद नहीं है, भाई तुम चाह रहे हो कि सगुण साकार बन के आऊं, लेकिन आकार लेके आऊंगा तो रूप लेके आना पड़ेगा कि नहीं? और यदि कह दिया तुमने ये रूप पसंद नहीं तो फिर हमको जाना पड़ेगा मेकअप करने के लिए, रूप बदलने के लिए। तो फिर एक काम करो, क्या आप बता दो कि हम कौन सा रूप लेके आ जाएं, आप ही बताओ। देखा, इसका मतलब है कि भगवान को कौन सा श्रृंगार करना है ये भक्त से पूछो, भक्त ही बताएगा। वैसा ही भगवान श्रृंगार करता है अपना, अपने मन से नहीं, मंदिर में पुजारी के ऊपर डिपेंड करता है को कैसा श्रृंगार कर रहा है? पुजारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान का श्रृंगार होता है, और भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान आकार लेकर के आता है। तो महाराज मनु ने जो बताया है उसी स्वरूप को लेकर के आए हैं भगवान, कह आप बताओ। तो याद रखना, भगवान शिव का नाम पहले लिया महाराज मनु ने। किसका नाम लिया है? भगवान शिव का नाम लिया है। देखो हर जगह शिव प्रधान रूप से है कि नहीं, जल्दी बोलो, प्रधान रूप से कौन है? शिव। पहले नाम शिव जी का लिया नहीं, पहला नाम ईमानदारी से बताओ, और किसी का भी लिया जा सकता था, लेकिन शिव का नाम लिया। जो स्वरूप बस शिव मन माही, 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 यही कारण हाँ।
हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारत मोचन। कृपा करके जो भगवान शिव के मन मंदिर में बसा है, इसका मतलब है कि शिव जी के मन मंदिर में बसा था लेकिन प्रकट नहीं हो रहा था। वो प्रकट किसने कराया? मनु जी ने। भुसुंडी जी के मन मानस में, देखो भक्ति के आचार्य हैं काग भुसुंड जी, बहुत बड़े भक्त हैं, समझ लेना इस बात को। अच्छा बोलो भाई, जो भक्त होगा वो सगुण ब्रह्म का दर्शन करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? जल्दी बोलो। भक्त जो होगा, सही बात है, ज्ञानी भले ही कहे निर्गुण निर्गुण निर्गुण, लेकिन भक्त तो कहता है दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, वो ज्ञानी कहता है निर्गुण निर्गुण निर्गुण, भक्त कहता है दर्शन 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 दो दर्शन दो। इसलिए कहता हूं अधूरा ना तो कोई भक्त हो ना अधूरा ज्ञानी हो, ज्ञान जिसमें हो वो भक्ति को जरूर स्वीकार करे, और जो भक्त हो वो ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करे, और जो ज्ञानी हो वो भक्ति की सत्ता को स्वीकार करे, दोनों एक दूसरे के पूरक हों, जैसे मनु और शत्रुपा। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? और जब ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं, वहां एक साथ हैं, और एक साथ हैं लेकिन एक मन है, ठाणे रहे एक पद दो एक ही मन है, ऐसी कंडीशन होना चाहिए। विवाद करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानियों भक्तों में कभी कभी विवाद छिड़ जाता है, विवाद नहीं संवाद की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संवाद की जरूरत है, विवाद की जरूरत नहीं है। आज जैसे ही प्रार्थना हो रही थी बता दिया ये स्वरूप लेके आओ, वो निर्गुण ब्रह्म नैमिष में आया, नील सरोरुह नीलम नीर नीर धर श्याम, लाजे तन शोभा निरख शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। ईमानदारी से बताओ, भक्त के प्रार्थना पर बलिहार हो गया भगवान की? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों की प्रार्थना को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, प्रकट हो गया भगवान। जैसे प्रकट हुआ कहा, देखो कहा था रूप लेके आओ, आ गया हूं। त्रिदेव दर्शन कर रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं साहब, ऋषि मुनि महात्मा नाच रहे हैं क्योंकि दर्शन हो गया भगवान का है नैमिष में, महात्मा नृत्य कर रहे हैं साहब, कितना आनंद आ रहा है, गजब। धन्य है महाराज मनु शत्रुपा की तपस्या। मांगो मांगो मांगो, देखो जल्दी मांगो, इसलिए कि मुझे जाना है। भक्त लोग जो है बुलाते रहते हैं ना भगवान को, तो मुझे जाना है, और जल्दी मांगो, पांच भी बज गए, जल्दी मांगो, है नहीं, जल्दी मांगो। मनु जी ने कहा देखो प्रभु, अगर आप देने के लिए आए हो तो जल्दबाजी मत करो, मैं मांगूंगा और आप मुझे दो, लेकिन समय लेके आना चाहिए था आप, और अगर समय लेके आप नहीं आए हो तो आप भगवान हो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, अभी आप जाओ, जब फुर्सत मिल जाए तब आना। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो हूं, खड़ा हूं, कोई बात नहीं, मांगो मांगो, आराम से मांगो, आराम से मांगो। अब शत्रुपा जी ने कान लगाया, क्या मांगते हैं ये, मांगते क्या है, क्योंकि बगलई में खड़ी थी ना, क्या मांगते हैं? मनु जी ने मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुमही समान सुत प्रभूषण कवन दुराओ, चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान सुत। शत्रुपा जी धीरे से बोली, सुत तो घर में ही था और डबल सुत क्यों मांग रहे हैं, कह चुप रहो, यही तुम्हारी तपस्या है, बीच में बोल पड़ी कहीं, इसलिए याद दिला रही हूं कि सुत तो घर में ही था और सुत भी संस्कारी है, कोई वैसा नहीं था, क्यों भैया? कल मैंने चर्चा की थी ना मनु जी के पुत्र पर चर्चा हुई थी, तो कहे कि सुत क्यों मांग रहे, और कुछ मांगो ना, सुत तो घर में ही है। कहा तुम चुप रहो। मनु जी जानते हैं इस बात कि हम सुत मांगेंगे
तो ये देंगे कैसे? इनके समान तो यही है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो देंगे क्या? इनके समान तो यही है, दूसरा कोई है ही नहीं। राम समान राम निगम कहें, क्यों भाई? राम के समान केवल राम है और दूसरा कोई है ही नहीं। मनु जी कहते इनके समान यही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये सुत देंगे कहां से? और सत्य तो ये है कि अगर ये सुत बनते हैं स्वयं, तो पूरे संसार को प्रेरणा मिल जाएगी। क्यों भाई? मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि संसार में इनको लाना है। बोलो, लाना है कि नहीं लाना है? संसार में इनको लाना है, और इसलिए लाना है कि संसार वालों इनसे प्रेरणा लें, इनसे शिक्षा लें। सामान सुत अरे सुत, क्या ये उत्तानपाद में क्षमता थी कि संसार को प्रेरणा दे देता? जो बोलो भाई, बोलो, उत्तानपाद में थी क्षमता? ये पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा तो ले संसार, अपने लिए नहीं संसार के लिए मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? संसार के लिए। और सही बात तो यही है कि अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। इसलिए महाराज मनु की संतान हैं हम सब। बोलो, है कि नहीं? कृपा कर रहे हैं महाराज मनु। भगवान को ये नहीं कहा कि सुत की कामना, सुत बन जाएं, और ये स्वयं बनेंगे सुत, और जब स्वयं सुत बनेंगे तो संसार को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए चाहो तुम्हें समान सुत, भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो बोले आप ही आ जाओ ना। जब आपकी समान नहीं तो आप ही आ जाओ सुत बन के, क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा आप सरिस हो जाऊं कहां जाई, नृप तवत नय होब में आई। मैं स्वयं बेटा बन के आऊंगा, स्वयं बेटा बन के आऊंगा, आप चिंता मत करो। बगल में सतरूपा जी खड़ी थी। सतरूपा बिलोक कर जोरे, देवी मांगवर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपके मन में जो रुचि हो आप मांग लो। सतरूपा जी आंख बंद कर ली, बंद कर ली आंख। देखो एक बात बताएं, नारी को जब क्रोध आता था पहले तो वो आंख बंद कर लेती थी, अब क्रोध आता तो आंख निकालती है। इतना अंतर आ गया, आ गया बहुत, इतना ही अंतर आ गया पहले से अब में। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? देखो, आंख बंद कर ली क्योंकि मन में क्रोध आ गया, आंख बंद कर ली, ये मर्यादा है। बोलो, है मर्यादा कि नहीं? आंख बंद कर लेना, ये नहीं आंख निकालो। सुनताल का क्रोध कर धाई, आंख बंद। भगवान ने कहा आंख तो खोलो। जब आपने आंख बंद कर ली इसका मतलब आप मुझे देखना नहीं चाहती हो, तो हम काहे को आएंगे? महाराज मनु ने कहा आंख खोलो, आंख खोलो सतरूपा। कहे महाराज बस आंख बंद रहने दो, क्यों? वेदना बहुत है, प्रकट नहीं कर पा रही। वेदना पहले से थी, अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, शरीर अस्थि पंजर था, तदपि मनाग मन ही नहीं, पीड़ा उस समय पीड़ा नहीं थी, लेकिन अब हृष्ट पुष्ट तन भय सुनाए सुहाए तब पीड़ा आई। जब शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया तब पीड़ा आई। किस बात की पीड़ा? कहा पीड़ा इसलिए है क्योंकि पीड़ा शब्द ने दे दी, शब्द ने पीड़ा दे दी। कहा शब्द तो भगवान के निकले, संसार का आदमी शब्द बोलता तो पीड़ा पहुंचती है। क्यों भैया? भगवान जब शब्द बोले तो पीड़ा दूर होती है, भगवान के बोलने से पीड़ा दूर होती है, दुनिया के बोलने से पीड़ा बढ़ती है। भगवान बोले हैं, कहे बोले तो हैं भगवान, लेकिन बोले क्या है इस पर विचार नहीं किया? आपसे भी बोले हो, मुझसे भी बोले। आपसे कहा आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतो तनय हो में आई, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन जब मुझसे बोले तो क्या कह रहे हैं? देवी मांग बर जो रुच तोरे। आपसे कह रहे हैं बाप, और हमसे कह रहे हैं देवी। अच्छा एक बात बताओ, देवी संबोधन श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं। देवी संबोधन श्रेष्ठ है कि नहीं? देवी संबोधन श्रेष्ठ है,
लेकिन पुत्र अगर माँ से देवी कहे तो ये श्रेष्ठता में नहीं आता है? बोलो, आता है क्या? पुत्र नहीं कह सकता है माँ से देवी, पुत्र को तो माँ ही कहना पड़ेगा। संसार के लोग देवी कहें लेकिन पुत्र देवी कहेगा अपनी माँ से? बोलो जल्दी, माँ कहेगा, कहना पड़ेगा। तो अगर आपको पिता मान रहे हैं, नब तो तने हो मैं आई, मैं बेटा बन के आऊंगा, इसका मतलब है आपको बाप मान रहे हैं और मुझसे देवी कह रहे हैं। आखिर कारण क्या है? मुझसे भूल क्या हो गई? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा है? तो आखिर किसको स्वीकार करेंगे? पहले ये पूछिए कि आपको पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, अगले जन्म में स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आखिर कौन ऐसी भाग्यवान नारी है कि जिसको माँ के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं कैसी अभागनी हूं? मैंने कौन सी गलती की है, कौन सी भूल की है जो मुझे माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे? भगवान ने जैसे सुना तो कहा, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कहे क्षमा क्षमा से काम नहीं चलेगा, शब्द वापस लो, शब्द वापस लो। भगवान को शब्द वापस लेने पड़े। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बोलो माता कहा कि नहीं कहा? क्या कहा? माता कहा। भाषा बदल गई, शब्द बदल गया, भाव बदल गया। देवी ना कह के क्षमा भी मांग रहे हैं, कहते हैं भूल हो गई, और मां कह रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, अब कसर क्या रह गई? अब कोई कमी रह गई है? बस कमी इतनी ही रह गई है कि महाराज मनु और शत्रुपा ये दशरथ और कौशल्या कल की कथा में बन जाएंगे, और जब दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाएगा। बालक राम के रूप में, राम लला के रूप में अयोध्या में प्रकट हो जाएगा। लेकिन आज नहीं, कब होगा? कल होगा। इसलिए अयोध्या में कल राम लला का जन्म होगा। महाराज मनु दशरथ बनेंगे और शत्रु